आज हीरा आप नई गाड़ी चला रही हैं यार, आपने कोई कहाँ से सीखी है आपने गाड़ी? सीखी नहीं अभी, सीख रही हूँ। अच्छा सीख रही हैं, माशाल्लाह जी। आज ये हीरा गाड़ी चला रही है, मुझे कह रही है मैं आज आपको लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाती हूँ, लेकिन लॉन्ग ड्राइव की जो स्पीड है ना वो है हमारी सिर्फ ओनली 60 और ट्रैफिक में हम लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं। बढ़िया, आप ये भी देखें। अच्छा जी गाड़ी बढ़िया है। ये किसकी गाड़ी है हीरा? पता नहीं, मुझे पता है। अच्छा हरीम कह रही है मुझे पता है। अच्छा ये पता ही नहीं गाड़ी किसकी और चला रही है यार। मैंने पूछा है कि कौन सी कंपनी की गाड़ी है, आप ये समझ। सॉरी सॉरी, ये है जी इसकी टोयोटा की। टोयोटा की गाड़ी है जी। टोयोटा यारिस। बाबा जी बेटा, मंसूर चाचू की है ये गाड़ी। अच्छा हरीम कह रही है मंसूर चाचू की गाड़ी है। अच्छा अभी हम किधर जा रहे हैं हरीम? दादू के घर जा रहे हैं। और कौन लेकर जा रहा है हमें? मामा। मामा लेकर जा रहे हैं। टर्न आगे से करना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो ये व्लॉग है जी शेंदी का, और जो मेन फंक्शन हमने किया था तो अभी हम लोग जो है वो बारात लेके जा रहे हैं वेन्यू की जानब, यानी कि अपने मार्की की जानब हम लोग जा रहे हैं। तो बारात जो है वो रास्ते में थी और मैंने सोचा कि यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुबह से एक्चुअली इतने काम थे तो बस थोड़ी सी जो सुबह मैंने ड्राइव करते हुए वीडियो शूट की थी तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जी क्या कहते हैं बारात लेके। असल में गाड़ियाँ बहुत आगे पीछे हो गई थी ना, क्योंकि रास्ते की कुछ समझ नहीं आई थी तो गाड़ियाँ बिल्कुल आगे पीछे। ये बिल्कुल इस्लामाबाद मेन हाईवे पे बहुत सारे मार्किज आते हैं, एक साथ मुनाल भी आता है, एम्पायर, डिफरेंट मार्किज आते हैं, उधर ही था ये मार्की। और रात का जी कोई टाइम था 8 बजे का, और हम लोगों ने घर से निकलना था 5:30 बजे और हमें बज गए थे निकलते निकलते 8। आप खुद सोचें कि हम लोग कितना लेट हो गए थे, और हम लोग खुद भी इस बात पर बहुत अपसेट हुए थे कि वाकई ही बहुत लेट हो गया, इतना लेट नहीं होना चाहिए था। 10 बजे सारी लाइट्स वगैरह ऑफ हो जाती हैं हॉल्स की, जैसा कि आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने सब कुछ बहुत खैर खैरियत से कर दिया और सब कुछ बहुत अच्छा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग प्लीज़ हमें, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा और यूं ही मेरे साथ रहिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते तो प्लीज़ कर दीजिए, और मेरे चैनल का जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। इंशाल्लाह मैं रूटीन वीडियोज़ भी स्टार्ट करूँगी, तो अभी मैंने सोचा पहले आपसे ये वाली वीडियोज़ शेयर कर लूँ और थोड़ी सी तबीयत भी मेरी सेटल हो जाए तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो अभी जी बारात हमारी पहुँच चुकी है और हम लोग जी अभी अंदर जा रहे हैं, क्या कहते हैं उसे, मार्की के अंदर जो वेन्यू है वहाँ पे जा रहे हैं। और इस इतनी थोड़ी बहुत क्लिप्स जो है वो मैंने स्टार्ट से बना ली थी, बाकी सारों में जो है मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी और आप लोगों के लिए वॉइस ऑन करूँगी, आप लोग वो सुनिएगा, क्योंकि वॉइस ओवर में इतना मज़ा नहीं है जितना लाइव वॉइस में अगर आप लोग सुनें तो वो है। तो जी ये आगे जो सारी वीडियोज़ हैं उसमें मेरी वॉइस नहीं होगी, तो आप लोग इन्जॉय करें।
इधर खड़ी हो दोनों, इधर खड़ी हो। बिल्कुल रुखसती का टाइम था एंड, और मैंने सोचा कि मैं जल्दी से आपके लिए जो है वो अपने ड्रेस की वीडियो बना लूं। तो ये मैंने ऐसे मैक्सी कैरी की थी और उसके साथ जी मैंने कैन पहनी थी और हिजाब लिया था। हम लोग खुद घर में ही तैयार हुए थे, उसके साथ क्राउन पहना था। तो सोचा जल्दी से आप लोगों के लिए जो है अपने ड्रेस की वीडियो मैं बना लूँ प्रॉपर। इंशाल्लाह ये ड्रेस जो है मैं आपको दिखा भी दूँगी और ये भी बता दूँगी कि कितने का बनाया, कहाँ से लिया, ये वो सब कुछ डिटेल बता दूँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बिल्कुल जो है लाइट्स वगैरह ऑफ हो चुकी थी और एंड टाइम था रुखसती का, और यहाँ पर रुखसती भी हो चुकी है। सब लोग जो है वो अपने अपने घरों की जानिब जा रहे हैं और हम लोग भी अपनी गाड़ी का वेट कर रहे थे। जो ब्राइड और ग्रूम थे वो दोनों भी जो है गाड़ी में बैठ चुके थे और हम लोग भी वेट कर रहे थे कि गाड़ी आए पार्किंग से और हम लोग जो है वो घर जाएं। तो ये फातिमा का ड्रेस है, मरून बॉडी और डार्क ब्लू जो है उसके नीचे था।
तो ये उसका ड्रेस है, उसने भी मैक्सी पहनी थी, मरियम ने भी मैक्सी पहनी थी, हम तीनों ने मैक्सीज जो है वो कैरी की थी। और ये शाल का ड्रेस भी बहुत प्यारा लग रहा है। ये आंटी का ड्रेस है, आंटी ने कुछ सी ग्रीन कलर का ड्रेस पहना था, उसके साथ रेड दुपट्टा था। ये हम बहुत शॉर्ट नोटिस पे एक दिन पहले शादी से लेकर आए हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत प्यारी लग रही थी। ये नजम की पप्पो का ड्रेस है एंड शी वॉज़ लुकिंग सो ब्यूटिफुल, बहुत प्रिटी ड्रेस था। वो जो है अमेरिका से आई हुई है नजम की पप्पो, ये उनका ड्रेस है। अभी हम जा रहे हैं जी घर की जाने। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने इसमें वॉइस ओवर इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत हल्ला गुला और बहुत हंगामा था, और मैं आपसे ये शेयर करना चाहती थी। और जो जो वीडियोस मैंने शेयर की वो लोगों की परमिशन के साथ की, जिनकी वीडियोज़ थी उनकी परमिशन के साथ शेयर की। तो आप लोग इस बात का बिल्कुल भी जो है वो इस बात को बिल्कुल भी वो नहीं की, क्रिटिसाइज़ नहीं कीजिएगा। तो अभी हम लोग घर की जानिब जा रहे हैं। तो जी अब आप लोग मुझे और मेरे घर वालों को अपनी दुआ में याद रखें, और हम लोगों के लिए दुआ करें, और मेरे लिए भी दुआ क्या करें कि अल्लाह ताला जो है वो मुझे कामयाब करें। तो आप लोगों के साथ ही मेरी कामयाबी है। अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो मैं जो है वो कामयाब हो सकूंगी, अदरवाइज़ नहीं। तो जी अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा।